दिन पहले हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में सारे अधिवक्ता सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता गणों ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वहीं लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा हड़ताल वापस लेने के फैसले से असहमत और काफी नाराज दिखे। लखनऊ में हड़ताल खत्म नहीं की गई है। बार एसोसिएशन की हड़ताल से न्यायालय के सभी कामकाज ठप पड़े हैं। वहीं लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे, अनुराग द्विवेदी और कुलदीप मिश्रा का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। धन्यवाद। हापुड़ की घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है और हापुड़ घट की घटना के विरोध में लगातार लखनऊ के सारे अधिवक्ता 29 तारीख से लगातार हड़ताल पे हैं और कोई सारा काम काज ठप किए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। लखनऊ बार ने लगातार बड़े से बड़ा प्रदर्शन किया है अधिवक्ताओं के हित में और ये हापुड़ के हित में भी लगातार लखनऊ बार अपने प्रदर्शन को जारी रखे। इसी क्रम में हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में युवा भाई जितने बैठे हैं हमारे कारणी के लोग साथ साथ जितने युवा भाई हैं सब सैकड़ों की संख्या में जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते इतनी बड़ी संख्या में सब अपने अपने खर्चों पे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये किसी के खर्चे पे नहीं, सारा अधिवक्त आप लोगों ने न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है, क्या मिला है आपको, क्या हाथ लगाए सरकार से? अभी तो सरकार से हम लोगों को कुछ नहीं मिला है और ना हमको सरकार से अभी इस तरह की कोई उम्मीद है, क्योंकि जो हमारी मात्र संस्था है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल उसी ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी आम अधिवक्ता एक है और आम अधिवक्ता जब तक न्याय नहीं पा जाएगा तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रहेगा न्याय मिलने तक। और वो लोग जो हम कहते हैं जैसे हम एक परिवार हैं, जैसे मेरे पिता ने चार बच्चे हैं और पिता किसी एक बच्चे का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है तो पिता को ये लगता है कि बच्चे तरक्की नहीं करेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे तरक्की करेंगे, सब आगे जाएंगे, सब देश के लिए काम करेंगे। ये मेरी मातृ संस्था को एक तरीके से चेतावनी है कि आप अभी समझ जाइए हम लोग, क्योंकि आपको फिर वापस यही आना है। अभी उत्तर